दोस्तों, क्रिकेट और क्रिकेटर्स से जुड़ी कहानी आपने बहुत सुनी होगी। उनके संघर्षों से लेकर उनके साथ हुई घटनाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है अनाथालय से ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन बनने तक की यात्रा और ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 विश्व कप खिताब जीतने में अहम किरदार निभाने वाली महिला क्रिकेटर लिसा स्टालेकर की। बात 13 अगस्त 1979 की है, जब शहर के एक अनजान कोने में जन्मी एक बच्ची को उसके माता पिता अनाथालय में छोड़ गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये लड़की भारत में न रहकर, अनाथ न रहकर एक माता पिता की बेटी बनी और अमेरिका गई और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तान बनी। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक अनाथालय है जिसे श्रीवास्तव अनाथालय कहा जाता है। सुबह सुबह अनाथालय के पालने में किसी ने लिसा स्टालेकर को छोड़ दिया था। प्रबंधक अनाथालय ने इसे अनाथ प्यारी बच्ची का नाम लेला रखा था। हारेन और सू नाम का एक अमेरिकी जोड़ा भारत घूमना है था और उनको एक बेटा चाहिए था और वो बेटे को गोद लेने के लिए श्रीवास्तव अनाथालय में गए थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हरेन और सू को यहाँ पर बेटा तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें लिसा मिली और हरेन और सू ने लिसा को अपनी गोद ली हुई बेटी बना लिया। 3 सप्ताह की उम्र में भारत में अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़े जाने के बाद इस खिलाड़ी ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल किया उसकी कल्पना करने भी रोंगटे खड़े कर देता है। लैला को गोद लेने वाले हरेन और सू ने लैला का नाम बदल कर लीजा रख दिया और उसको अमेरिका ले गए। फिर ये दोनों अमेरिका से कुछ सालों बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बस गए। लीजा के पिता को क्रिकेट का बेहद शौक था और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बेटी को क्रिकेट खेलना सिखाया। घर के पार्क से शुरू होकर गली के लड़के के साथ खेलने तक का यह सफर कब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान तक का सफर बन गया पता ही नहीं चला। क्रिकेट के प्रति लीजा का जुनून अपार था जिसने उन्हें महान बनाया। 2013 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने क्रिकेट विश्व कप जीता उसके अगले दिन बाद ही इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लेकिन संन्यास लेने से पहले इस खिलाड़ी ने जो हासिल किया वो कमाल था। जब ICC की रैंकिंग प्रणाली शुरू हुई तो दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर लीजा थी। वनडे में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर लिसा स्टालेकर ही थी। ओडी और T20 कुल मिलाकर 4 विश्व कप में इन्होंने भाग लिया था। लीजा ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने 2003 में अपना पहला टेस्ट और 2005 में अपना पहला T20 मैच खेला था। लीजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 125 एक दिवसीय मैच खेले, इसमें उन्होंने 2728 रन बनाए और 146 विकेट अपने नाम किए। लीजा के नाम 8 टेस्ट मैचों में 416 रन और 23 विकेट हैं। इसके साथ ही उनके नाम 54 T20 मैचों में 769 रन और 60 विकेट का रिकॉर्ड दर्ज है। लीजा ICC महिला क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर है। लीजा ने एक दिवसीय और T20 के 4 विश्व कप टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया। 2013 में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने लीजा के नेतृत्व में विश्व कप जीता था। यह उनके क्रिकेट करियर का हाई पॉइंट था, लेकिन अगले ही दिन लीजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी लीजा को हॉल ऑफ फेम क्रिकेट लिस्ट में शामिल किया। आज दुनिया के महान क्रिकेटरों में लीजा स्टालेकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है।